आम हो या खास, सभी को सरकार के बजट का इंतजार रहता है। कुछ उम्मीद रहती है तो थोड़ा सा डर भी रहता है। नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 के बीच होगा और सरकार 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश करेगी उसे अंतरिम बजट कहेंगे। इसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पेश करेंगी। पूर्ण बजट यानी कि फुल बजट नई सरकार बनने के बाद पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को 31 जनवरी को संबोधित करेंगी। इस दिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी टीम इकोनॉमिक सर्वे भी पेश करेगी। ज्यादातर लोगों को टैक्स को लेकर काफी इंतजार रहता है, तो क्या बदलाव होने वाला है टैक्स को लेकर इस अंतरिम बजट में, जानते हैं इस वीडियो में। हाई, दिस इज भावना एंड यू आर वॉचिंग गुड रिटर्न्स। आम आदमी की नज़र इनकम टैक्स के नियमों पर रहती है। क्योंकि मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट ठीक लोकसभा चुनाव के पहले पेश होगा, इसलिए सरकार से सबको उम्मीद रहती है। अटकलें लगाई जा रही थी कि टैक्स पेयर्स को खुश करने के लिए सरकार बजट 2024 में न्यू टैक्स रेजिम में मामूली बदलाव कर सकती है। इसमें मौजूदा टैक्स छूट को बढ़ाने पर विचार हो रहा है। न्यू टैक्स रेजिम में मौजूदा टैक्स छूट 7 लाख रुपए है, इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए किया जा सकता है, मतलब 50,000 रुपए की एडिशनल छूट दी जा सकती है। इससे पहले सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम में छूट का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया था। इसमें सेक्शन 87A में रिबेट को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया था। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री हो सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बजट में ऐसा कोई प्रावधान किया जाता है तो छूट की जो लिमिट है वो 8 लाख रुपए तक हो सकती है। मौजूदा व्यवस्था में 7.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स पर छूट है। इसमें बेसिक एग्जेम्पशन, रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। अब ये लगाई जा रही थी अटकलें, सच्चाई क्या है? तो आपको ये जानकर निराशा होगी कि चुनाव आयोग इस बात की इजाजत नहीं देता है कि सरकार अंतरिम बजट में कोई बड़ा बदलाव करे। उसे इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव की इजाजत भी नहीं होती। छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, छोटे छोटे बदलाव पेश किए जा सकते हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि अंतरिम बजट में भी ऐसी कोई अनाउंसमेंट होगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने CII वैश्विक आर्थिक नीति के मंच पर यह पहले ही क्लियर कर दिया था कि 1 फरवरी 2024 को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होगी। ये सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा और सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। नई सरकार के गठन के बाद जुलाई 2024 में फुल बजट पेश होगा, तब तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा। अब चले जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि अंतरिम बजट आखिरकार क्या होता है। तो इसे हम अस्थायी बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अवधि होती है वो बहुत कम होती है। चुनाव के बाद नई सरकार अपना बजट पेश करती है। अंतरिम बजट में केंद्र आय और खर्च का यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा पेश करती है और कोई बड़ी घोषणा या कोई भी लुभावनी योजना पेश नहीं कर सकती। इससे पहले साल 2019 में पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था और इस बार निर्मला सीतारमन जो कि हमारी अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये अंतरिम बजट पेश करेंगी। और जब नई सरकार जो भी होगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कोई दूसरी पार्टी हो, तो वो अपना फुल बजट पेश करेगी, जिसमें हो सकता है इनकम टैक्स को लेकर उस वक्त कुछ रूल्स चेंज हो जाएं। वेल, आपकी बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।